तो आज अपने पास में ये सस्ता वाला स्मार्टफोन Redmi A1 Plus है और इसकी प्राइस है 6,490 रुपये, जिसमें देख सकते हो कितनी तगड़ी डिजाइन, रियर में डुअल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। और इसमें कौन कौन से मजेदार हिडन फीचर्स मिलते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फटाफट से करते हैं स्टार्ट। इस मोबाइल में आप लॉक वाले बटन को डबल बार टैप करते हो तो इसमें फटाफट से कैमरा ओपन हो जाता है, यानी जेस्चर एंड मोशन का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में देखने को मिलेगा सिस्टम, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, जेस्चर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा मिलता है जिसको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में चाहे आप कहीं पर भी हो, डबल बार टैप करते ही इस स्मार्टफोन में फटाफट से हो जाएगा कैमरा ओपन। इस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन बैटरी के परसेंटेज कितने बचे हैं वो हमें नहीं पता। तो बैटरी के परसेंटेज जानना चाहते हो कि भाई बैटरी कितनी बची हुई है, तो इसके लिए बैटरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज मिलेंगे, इसको ऑन कर देना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि बैटरी में कितने परसेंटेज अभी बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में इसमें 5000 mAh तो बैटरी मिलती ही है। गाइज, अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपसे कोई फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेता है कि भाई मुझे तेरा मोबाइल चाहिए, कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, तो आप उसको डायलर तो ओपन करके दे देते हो, लेकिन वो कॉलिंग होने के बाद में बैक आकर आपके मोबाइल में कुछ और यूज ना कर ले, तो डर बना रहता है और अगले बंदे को अपन मना भी नहीं कर सकते कि मैं तुझे मोबाइल नहीं दे सकता। लेकिन एक मजेदार सेटिंग बताता हूँ जिसके लिए आपको जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में। यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद में सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है और इसमें सबसे नीचे देखने को मिलता है ऐप पिनिंग। ये क्या काम आता है वो बता देता हूँ, इसको ऑन कर देना है, फिर नीचे वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। लेकिन नीचे वाले को तभी ऑन कर पाओगे जब स्मार्टफोन के ऊपर कोई अच्छा सा पासवर्ड या पैटर्न वगैरह लगा कर रखोगे। तो मैं एग्जाम्पल पर ये वाला पासवर्ड सेट कर देता हूँ, फिर डन कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ गाइज, मुझे डायलर को लॉक करके देना है, तो आपको डायलर ओपन करना है, 3 बटन के ऊपर क्लिक करना है, इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो पिन का ऑप्शन मिल जाता है। पिन होने के बाद में अब अगला बंदा बैक आने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी बैक नहीं आ पाएगा और इस तरीके से आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हो और इसी तरीके से घर में बच्चों को यूट्यूब वगैरह भी चलाने दे सकते हो। अब आपको बैक आना है तो 3 बटन एंड बैक बटन को एक साथ में प्रेस करना है और प्रेस करते ही इस स्मार्टफोन के अंदर आप बैक आ जाओगे। लेकिन एक चीज मैंने बताई थी, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि अगला बंदा भी तो कर सकता है, तो लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मोबाइल के ऊपर पासवर्ड वगैरह लगा कर रखना है और जब भी बंदा, जैसे मेरा अभी स्मार्टफोन में पासवर्ड सेट हो जाएगा तो इस तरीके से बैक आऊंगा तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा स्मार्टफोन। एक चीज बता देता हूँ, जैसे इसमें नीचे स्लाइड करते हो तो यहाँ पर बस आपको 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आप सोचते होंगे भाई इसमें बाकी ऑप्शन कहाँ गए, तो आपको पेंसिल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, ये टॉर्च वाला हो गया, इसको होल्ड करके यहाँ पर सेट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको इसमें से निकाल कर लाना होगा, माइक एसेस, कैमरा एसेस, बैटरी सेवर, बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब और एक्स्ट्रा डिम, इसको भी आप आउटसाइड में ले जा सकते हो, ये भी काफी यूजफुल फीचर है। इसमें क्या होता है, जब भी आप इसमें एक्स्ट्रा डिम को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद में गाइज आपके स्मार्टफोन की लाइट है जो हल्की फुल्की कम हो जाती है, आंखों के लिए सेफ्टी बनी रहती है। और इस मोबाइल में आपको बड़ी डिस्प्ले तो मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले के मजेदार फीचर्स बता देता हूँ। अगर आप ये मोबाइल अपने घर में बच्चों को या फिर किसी को देना चाहते हो जैसे स्टडी वगैरह, पढ़ाई वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले का मजेदार फीचर्स बताता हूँ जिससे आंखें खराब होने के चांसेस कम होंगे। डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पर डार्क थीम मिलती है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में देखोगे डिस्प्ले का कलर पूरा ब्लैक हो चुका है और अब आप इसमें मोबाइल को ज्यादा देर तक यूज कर पाओगे, नाइट वगैरह में भी आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी और आंखें खराब होने के चांसेस कम रहेंगे। और इसके अलावा नीचे की साइड में आना है, नीचे की साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एडेप्टिव ब्राइटनेस। इसको ऑन करने के बाद में क्या होगा कि गाइज ऑटोमेटिक ब्राइटनेस लो ज्यादा कम ज्यादा होती रहेगी। अगर आप आउटडोर में जाते हो तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगी और इंडोर में आते हो तो ब्राइटनेस लो हो जाएगी। तो अगर इस ये आपके लिए यूजफुल नहीं है तो इसको बंद भी कर सकते हो क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। अगर आपको लगता है कि ये स्मार्टफोन स्लो चलता है, जैसे कोई भी ऐप ओपन करते हो तो बीच में पहले लोगो आता है उसका, फिर बाद में ये ऐप ओपन होता है, तो इसमें आपको मोबाइल को और फास्ट यूज करने के लिए एक सेटिंग बता देता हूँ। मोबाइल की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद में यहाँ पर एसेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर टेक्स्ट एंड डिस्प्ले साइज के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। अब आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ पर फटाफट से ओपन हो जाएगी, कोई लोगो बीच में नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आप जैसे मोबाइल में कुछ भी लिखा हुआ है उसके टेक्स्ट साइज को बोल्ड करना चाहते हो, मतलब गहरा करना चाहते हो, तो इसको ऑन कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट देखने को मिलेगा और इसी के अंदर फॉन्ट साइज मिलती है। अगर आपके स्मार्टफोन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी साइज को बड़ा करना चाहते हो तो इधर राइट में स्लाइड कर देना है
और छोटा करना चाहते हो तो लेफ्ट में स्लाइड करके यहाँ पर बैक आ जाना। आप देख सकते हो इनकी साइज बड़ी हो चुकी है। दोस्तों 6000 रुपए की प्राइस में आपको कैमरा में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि इसके रियर में डुअल कैमरा मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो वीडियो मिलता है सबसे पहले, और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें भाई साहब 1080p 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो एक बेहतरीन बात है। और यहाँ पर आपको फोटो मिल जाता है फोटो में, और यहाँ पर पोर्ट्रेट कैमरा DSLR वाली फोटो भी क्लिक कर सकते हो। और इसी के अंदर मोर कैमरा मिलता है जिसमें शॉर्ट वीडियो, टाइम लैप्स और एडिट के अंदर जाकर और भी ऑप्शन चुन सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपका स्मार्टफोन लॉक है और व्हाट्सएप पर या कोई भी मैसेज आता है तो वो यहाँ पर शो हो जाता है, तो लॉक करने का मतलब क्या? लेकिन एक चीज बता देता हूँ, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को इस तरीके से हाइड कर सकते हो जो भी मैसेज वगैरह आते हैं, उसके लिए होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, होम सेटिंग में जाना है, नोटिफिकेशन डोर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है और डू नॉट शो माई एनी नोटिफिकेशन इसको ऑन कर दीजिएगा। अब आपका स्मार्टफोन जब भी लॉक रहेगा तो कोई भी ऐसा एक भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इस स्मार्टफोन में नीचे स्लाइड करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन वगैरह आए हुए रहते हैं कभी कभार, लेकिन अपन गलती से क्या करते हैं उनको एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं, फिर बाद में पता लगाना होता है कि उसमें कोई काम का नोटिफिकेशन तो नहीं आया था। जैसे कि आप उसको बिल्कुल लगा सकते हो एक दिन बाद में, दो दिन बाद में, बस एक सेटिंग ऑन करनी है, मैनेज सेटिंग के ऊपर जाना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर जब भी आप क्लियर ऑल करते हो नोटिफिकेशन को, तो वो क्लियर ऑल सारे मैसेज वगैरह आपको यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन हिस्ट्री में मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी एक ही मैसेज क्लियर किया था और इसमें पता भी चल जाएगा कि कौन सा मैसेज कितनी बजे आया था और कौन सी एप्लीकेशन से आया था। अब मैं आपको इस मोबाइल को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के फीचर्स बता देता हूँ। मोबाइल के सेटिंग में आना है, फिर एसेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद में एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिलता है, इसको जब भी ऑन करते हो तो यहाँ पर लाइट ऑफ होगी, मतलब कम होगी, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पर देखने को मिलता है मैग्निफिकेशन, इसको ऑन करने के बाद में आपको एक काफी बेहतरीन फीचर्स मिलेगा। जैसे आप चाहे कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो या फिर नेट पर कुछ भी चला रहे हो और आपको यहाँ पर जूमिंग करके देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और अब आप जहां पर भी टच करोगे तो यहाँ पर आप जूमिंग तरीके से देख पाओगे और आसानी से पढ़ भी सकते हो। इस स्मार्टफोन में आपको जो ये नीचे की साइड में बटन देखने को मिलते हैं, इनको हटाना चाहते हो तो यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में आना है, सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में देखने को मिलेगा गेस्चर, गेस्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद में सिस्टम नेविगेशन, इसके ऊपर क्लिक करके गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे नीचे से बटन हट चुके हैं, अब आपको बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो। और इसमें एक बेहतरीन फीचर मिलता है इसी के अंदर, जैसे कि यहाँ पर गेस्चर के ऊपर क्लिक करना है, 100 मोड को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद में ये क्या काम आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप अगर एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरीके से बैक आने के बाद में यहाँ पर जब भी नीचे से स्लाइड करोगे, इस तरीके से स्लाइड करके यहाँ पर आप 100 मोड को ऑन कर सकते हो। लेकिन मोबाइल में आपको अच्छी अच्छी थीम्स भी मिल जाती है, जैसे ये वाली थीम्स हो गई, इसको चेंज करना चाहते हो तो मोबाइल की सेटिंग में आना है, थीम्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अलग अलग स्टाइल में थीम्स वगैरह और वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो इसी तरीके से अप्लाई टू लॉक एंड और स्क्रीन के ऊपर सेट कर पाओगे। अब आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से आप बैक आ सकते हो। बैक आने के बाद में गाइज आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर मोबाइल में फिंगरप्रिंट और स्मार्ट लॉक, स्क्रीन लॉक ये सब लगा सकते हो। और इसी के अंदर आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलता है डिजिटल वेलबींग एंड कंट्रोल से, इसके अंदर जाने के बाद में आप पता लगा सकते हो कि आज आपने मोबाइल को कितनी देर यूज किया है। जैसे हमने मोबाइल को 14 मिनट यूज किया है और कौन कौन सी एप्लीकेशन को कितनी कितनी देर यूज किया है, कितनी बार अनलॉक किया है, ये सभी आप इसी के अंदर एक ही सेटिंग में ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको इस स्मार्टफोन के स्क्रीनशॉट के बारे में बता देता हूँ। वॉल्यूम डाउन और लॉक बटन को दबाकर स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, लेकिन इसमें पेंसिल के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके जो भी स्क्रीनशॉट लेते हो उसमें आप फिल्टर वगैरह लगा सकते हो, और उसी के अंदर क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसमें से भी क्रॉप करना चाहते हो तो इस तरीके से आप क्रॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कहीं पर भी एडजस्ट करके, फिर आपको क्रॉप कर देना है और क्रॉप करने के बाद में डन कर देना है। अब आप देखोगे आपका स्क्रीनशॉट भाई रेडी है। तो दोस्तों ये थे इस स्मार्टफोन के कमाल दमाल हिडन फीचर्स। 6000 रुपए की प्राइस में आपको इतने सारे मजेदार फीचर्स मिल जाता है और सबसे बेस्ट इसकी डिजाइन भी तगड़ी है। तो ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस प्राइस सेगमेंट में आप इसे खरीद सकते हो, इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।